नमस्कार दोस्तों, एसके मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैद्यनाथ दिमाग दोष हरी टेबलेट के बारे में, जो कि दिमाग से संबंधित रोगों में काम करती है। तो क्या है इसकी खास बात, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे इसे इस्तेमाल करना है, इसका प्राइस क्या है, इसका इन्ग्रीडियंट्स साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में दूँगा। दोस्तों, अगर प्राइस से शुरुआत करें तो 211 रुपये में आपको 50 टेबलेट मिलती हैं, और आप इसे जो भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिमाग दोष हरी टेबलेट फ़ायदे क्या हैं, ये जानने से पहले सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी इसमें क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, जटामांसी, परवाल भस्म आदि इस प्रकार से इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किया गया है, जिससे ये एक बेहतरीन औषधि बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस नाम से पता चल रहा होगा कि दिमाग दोषहरी यानी दिमाग से संबंधित बीमारियों में इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। दिमाग के दोषों को हरने वाली यह औषधि है, दिमाग के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। अगर किसी को तनाव की समस्या हो, चिड़चिड़ापन की समस्या हो, और ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं और आपका दिमाग उस काम की वजह से काफ़ी थका हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। किसी को नींद ना आने की समस्या रहती है, इसके कई कारण होते हैं। दिमाग के अंदर काफ़ी विचार चले रहते हैं, और विचार चलने के कारण नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में काफ़ी फ़ायदेमंद औषधि है। इसके अलावा ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है, यानी याददाश्त को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं इसे लेना कैसे है। इसको एक एक टेबलेट दिन में दो बार खाना खाने के बाद सुबह शाम आप इसे ले सकते हैं। इसे मेल या फीमेल कोई ले सकता है। बात करें बच्चों की या प्रेग्नेंट महिलाओं की, तो इसे लेने से पहले ये अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस दवाई को लेने के बाद आपके हेल्थ में कोई इशू आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आप डॉक्टर की देख रेख में इस मेडिसिन को लें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी दिमाग दोष हरी टेबलेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो इस दिमाग हरी टेबलेट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।